नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। बठिंडा पुलिस ने फिरौती वसूल करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जालंधर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वीडियो आई सामने। जालंधर देहात के थाना करतारपुर की पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक फरार। और अब हलचल विस्तार से। अमीर लोगों को डरा धमकाकर फिरौती वसूल करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 आरोपियों को पकड़ने में बठिंडा पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। एसएसपी बठिंडा के नेतृत्व में सीआईए स्टाफ 1 और 2 की टीम ने फिरौती गैंग के 6 बदमाशों को 20,15,000 रुपए की फिरौती की रकम के साथ गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरौती और रंगदारी का खेल फिरोजपुर जेल में बंद मनप्रीत सिंह मुन्ना चला रहा था, जिसका रिमांड मिलने के बाद सख्ती से पूछताछ करने पर उसके बाकी साथियों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। पकड़े गए बदमाशों से 3 पिस्टल और 1 बंदूक बरामद की गई है। उक्त आरोपियों की पहचान करणदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, जशनदीप सिंह, परमवीर सिंह, सभी निवासी तलवंडी साबो के तौर पर हुई है। आरोपियों में पंजाब होमगार्ड के जवान का बेटा भी शामिल है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। कि बठिंडे दे तलौंडी साबो एरिया दे विच एक्सट्रैक्शन रैकेट चल रहा सी, बड़ा सीरियस। कुछ समय तो कुछ गैंगस्टर जेल दे विचों बैठ के कुछ अपने कंड्यूट्स जिहड़े उन्हां दे गा के छोटे गैंगस्टर लगा लो उन्हां राही एक्सट्रैक्शन चला रहे सीगे। शहर के अमीर आदमियों टैलीफोन से धमकियां दे के उन्हां कोलों फरौतियां लई जा रही सी, या अजे थ्रैट चली जा रही थी। इसका सरगना मनप्रीत सिंह मन्ना जिहड़ा गैंगस्टर फिरोजपुर जेल के बंद सी, वह यह सारा एक्सट्रैक्शन रैकेट नूं चला रहा सी और उसके नाल गोल्डी बराड फॉरन के बैठा इन टच सी। ये फोन करके अमीर बिजनेसमैन धमकियां देते सी, जो धमकी तो नहीं बनते वो घर के बाहर फायरिंग करवानी या होर मसल मैन भेज के फोन ऑन करके उन्होंने कंधे नाल ला के धमकियां दे के इन्होंने फरौतियां वसूलियां। और जो स्पैशल टीम इसलिए कंस्टिट्यूट की पुलिस को कामयाबी मिली, जो इन्ह के 7 मैंबर गैंग जिहड़े असी अरेस्ट कर ले। पंजाब के जालंधर में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में एक महिला को नग्न अवस्था में एक निजी रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारी घसीटकर रेस्टोरेंट से बाहर ला रहे हैं और लोग भी खड़े होकर तमाशा देखते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस वीडियो की जांच पड़ताल करने के बाद जब हमारी टीम रेस्टोरेंट के मालिक से मिली तो उन्होंने कैमरे के आगे बोलने से मना कर दिया और पुलिस को शिकायत करने व वीडियो देने की बात कही। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट मालिक ने अपना पक्ष कैमरे के आगे ना देते हुए प्रवासी लोगों को कैमरे के आगे बोलने को कहा, जिसके बाद जब रेहड़ी लगाकर अपना काम करने वाले प्रवासी लोगों ने कहा कि जिस महिला को नग्न अवस्था में रेस्टोरेंट वालों ने बाहर निकाला उस महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। महिला ने पहले कपड़े पहन रखे थे, फिर वह रेस्टोरेंट के अंदर गई। प्रवासी लोगों ने कहा कि पहले वह महिला उनकी रेहड़ी पर आई और उनसे हाथापाई की और बाद में रेस्टोरेंट के अंदर चली गई और वहां पर भी उसने वहां हाथापाई की। वहीं प्रवासी लोगों की बातों से ऐसा लग रहा था कि रेस्टोरेंट मालिक ने उन पर दबाव डालकर मीडिया के आगे बुलवाया हो। इस संबंधी थाना डिवीजन नंबर 1 के एसएचओ जतेंद्र कुमार ने बताया कि उक्त घटना 11 तारीख की है। इस घटना का जब उन्हें पता चला तो उन्होंने 2 लेडीज कांस्टेबल को वहां भेजा और उन कांस्टेबल ने महिला को कपड़े पहना दिए थे। उनसे जब रेस्टोरेंट मालिक द्वारा शिकायत एवं वीडियो एविडेंस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं दिया गया। उनसे जब महिला के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि महिला इस समय कहां पर है। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक रमन अरोड़ा ने इस घटना की पूरी तरह से निंदा करते हुए कहा कि जिन लोगों ने महिला के साथ ऐसा कृत्य किया है उस पर कानूनी कार्यवाही भी करवाई जाएगी।
उन्होंने पुलिस प्रशासन की ढीली कार्यवाही पर भी सवालिया निशान उठाए। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। उसके बाद में आए थे हम लोगों को यहाँ पानी उनी फेंक दिया, बट्टे मारे चक्के पे, मेरे भी दो तीन झापड़ मार दिया, चले फिर उधर गए थे, फिर इधर से यहाँ पर कपड़े उपड़े फाक बताया था, पुलिस को फोन किया था, पुलिस आई नहीं, हम लोग काफ़ी नुकसान हो गया था। हम लोग यहाँ पर डर के मारे कोई रुके नहीं, जो पास में आ रहा है उसको मार रही, ईंटा बट्टे जो मिल रहा है वो मारी जा रही, फिर उसने कपड़े फाड़ के कहीं उधर भाग रही, कहीं उधर भाग, उसमें भी घुस गए दो तीन बार, लॉक फॉक सारा तोड़ दिया अंदर। तो जो भी मैं वीडियो के माध्यम ना देखा वो बहुत ही निंदनीय है, मैं इस चीज़ का बहुत जबरदस्त खंडन करदा, क्योंकि इहो जिहियां चीज़ां शरेआम होना ये बहुत वड्डी माड़ी गल है। दूसरी गल, जिस रेस्टोरेंट तो ये अंदर ये चीज़ वापरी गई है, मैं उन्होंने विरुद्ध सख्त कार्रवाई करन दे आदेश दें। जिन्नी मैं वीडियो देखी है उहदे विच पुलिस प्रशासन का कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा, तो ना ही मैनूं इस बारे कोई बहुती जानकारी है। मैं हुणी पुलिस प्रशासन नाल गल करदा वी उन्होंने उस लड़की का की किया, क्या वो लड़की उन्होंने कितने दाखिल कराई है या किसी जगह के उत्ते छड़ के आया या किसी आश्रम से छड़ के आया, मैं उसकी पूरी हुणी छानबीन करदा। जेकर उन्हां वल्लों भी किसी तरह की कोई कोताही वरती गई उन्हां विरुद्ध भी कार्रवाई की। 11 तरीक नूं एक मैसेज मिलिया सी कि उत्थे कोई डीएलवी पुल जिहड़ा है उहदे लागे कोई लेडीज है, उन्हें कपड़े उतारे हुए, घूम रही है, मेंटल डिस्टर्ब है, उत्थे फोर्स लेडी फोर्स भेज के उन्हों कपड़े वगैरह पवा दिते गए सी। ते उस तो बाद होर कोई इनफॉर्मेशन नहीं है इस बारे, M2 के बारे कोई इनफॉर्मेशन नहीं है। वीडियो में उसे पहले जिस रेस्टोरेंट से बाहर निकाला पूरी तरह से घसीटा गया, फिर रोड पर उसे नंगन अवस्था में लाया गया, तो कहीं ना कहीं जो इंसानियत है वो तो शर्मसार होती नजर आई। मेरे को इस बारे कोई कंप्लेंट नहीं है, ना कोई मैंने इनफॉर्मेशन है कि रेस्टोरेंट अंदर गई थी या उसमें कहीं ने बाहर कटाया, इस बारे कोई इनफॉर्मेशन नहीं। हमारी रेस्टोरेंट के ऑनर से बात हुई, वो कह रहे कि हमने पुलिस में शिकायत और जो एविडेंस है वो दे दिए हैं, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में उसने तोड़फोड़ भी की। जेकर उस औरत दी मानसिक दशा ठीक नहीं, जिस अवस्था च सी ओ बहुत ही शर्मनाक तस्वीर सी और आले दुआले खड़े होके लोग देख रहे ने, उस वक्त उस रेस्टोरेंट दे जो मालिक सी उन्हां दा फर्ज बनदा सी कि प्रशासन नूं कॉल कर दे, प्रशासन नूं कॉल करन तो पहला उस औरत नूं कपड़ा दे के किसी तरीके नाल टक्किया जा सकदा सी, जबकि ओनू कवर करन दी बजाय ओनू कसीट के ले जाया गया। ते असी अपनी संस्था वल्लों इस चीज दे लई जरूर इस चीज दी तहकीकात करांगे कि उस औरत दे नाल जस्टिस होया या नहीं होया, या ओ पहुंचे ने हॉस्पिटल या नहीं पहुंचे ने। अगर इदां दी कोई कारवाई नहीं हुंदी ता साडा जिहड़ा संगठन है ओह इस चीज दे अंदर इस मैटर च दखल देवेगा। जालंधर देहात के थाना करतारपुर की पुलिस ने कत्ल होने से पहले तीन आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर सरबजीत सिंह भाईया ने बताया कि पुलिस की ओर से टी पॉइंट गांव कराड़ी में नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान उन्हें गुप्त सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति गांव रानी भट्टी की रहने वाली एक महिला का कत्ल करने की योजना बनाकर गाड़ी में इसी रास्ते पर आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान उक्त आरोपियों को काबू कर लिया, जिनमें एक आरोपी भागने में सफल हो गया जबकि बाकी तीन आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जालंधर से कैमरामैन जतिन राजपूत के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। 115 IPC दे विच जिहदे विच कि मर्डर इन्हां बंदियां ने करना सीगा, परंतु SHO करतारपुर और DSP सब डिवीजन तो अगड़ी जी वालों एडवांस ही इन्हां नूं बंदियां नूं राउंड अप किया, जिन्हां दे नाम गुरदीश अते सुरजीत हैगे आ, और इन्हां ने प्लैन करके जिहड़ी कि दलजीत कौर हैगी आ, जिहड़ी कि उहदी ननान लगदी आ लेडीज़ दी, उन्हां नाल सारिआं ने साजबाज हो के ये मर्डर करना सीगा और उन्हूं असीं राउंड अप किया, और बलदेव सिंह जिहड़ा हाले अरेस्ट करन वाला बाकी हैगा उहनूं भी जल्दी असीं गिरफ़्तार करांगे। और फरदर जिहड़ी हैगी आ इन्हां दा मेन जिहड़ा सीगा इशू सीगा भी बलदेव सिंह नूं उहदी सैकंड वाइफ जिहड़ी आ उहने घरों कढ दित्ता सीगा, और उहदी डिमांड सीगी भी जमीन मेरे नां ते लवा सारी, फिर ही असीं तैनूं असीं घर बाड़ांगे। और इन्हें अपनी पहली वाइफ दा जिहड़ा लड़का गुरदीश उहदा दोस्त हैगा सुरजीत, उन्होंने रल के फिर इन्होंने सारे ने प्लैन किया भी आप क्यों ना लेडी नूं ही मार दीए।
जालंधर के हलका वेस्ट से विधायक शीतल अंगुराल को वारिस पंजाब के मुखिया अमृतपाल सिंह पर टिप्पणी करने के मामले के संबंध में वारिस पंजाब ग्रुप के किसी सदस्य द्वारा अज्ञात नंबर से कॉल कर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और तुरंत FIR दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद शीतल अंगुराल पुलिस कमिश्नर कार्यालय में पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए DCP सिटी जगमोहन सिंह ने बताया कि शीतल अंगुराल को अज्ञात नंबर से फोन कॉल आई थी, जिसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं पिछले दिन 8 तारीख को एक प्रेस ने मेनू बयान पूछा कि सरदार अमृतपाल सिंह जी जो अज पंजाब दे विच जिस तरीके का माहौल खराब कर रहे, तुसी की कहना चाहते हो? मैं उन्होंने एक छोटा जवाब दिता। मैं फिर कहना चाहना कि मेरी सरदार अमृतपाल सिंह ना कोई निजी तौर पर दुश्मनी नहीं है। मैं उन्होंने अपना काम है, वो अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मैंने जिस टाइम वो किसी स्टेज के उत्ते पंजाब को तोड़न की गल करेंगे, पंजाब के खिलाफ कोई शब्द बोलेंगे, उसकी मैं निंदा करांगा और खिलाफ मैं डट के खड़ा होवांगा। क्योंकि जिहड़ा बंदा पंजाब दे विच गल करेगा, भावें सरदार अमृतपाल होवे भावें कोई होर होवे, उहदे नाल मैं खड़ा हां। जिहड़ा पंजाब दी तोड़न की गल करेगा उहदे विरोध च खड़ा हां, उहदे खिलाफ डट के मैं जिन्ना मेरे को विरोध हो सकेगा उन्ना करांगा, ते उहदे खिलाफ बोलांगा भी। उस तों इलावा जिस दिन मैं उह मैं बयान इशू कीता कि मैं जे अमृतपाल पंजाब दे विच माहौल खराब करना चाहुंदा है, ते मैनूं लगदा कि पंजाब दी पुलिस नूं उहदे खिलाफ कार्रवाई करनी चाहीदी। इक वेस्ट हलके दे जिहड़े विधायक है उहनां नूं धमकी मिली गई है, तुसीं उस केस दी जांच कर रहे हो, इस संबंध दे विच जिहड़ा हैगा उहनां ने सानूं कंप्लेंट जिहड़ी दित्ती सी उहदे संबंध दे विच जिहड़ी साडी इन्वेस्टिगेशन टीम है उह वेरीफाई कर रही है। इक अननोन नंबर तों जिहड़ा हैगा उहनां नूं फोन आया सी, जिस संबंध दे विच साडे ACP साइबर क्राइम ते ACP वैसट जिहड़े हैगे उहदे विच इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जिहदी जिहड़े मनीटर है उह साडे DCP इन्वेस्टिगेशन जिहड़ा उहनूं कर रहे हैं, जल्दी जिहड़ा हैगा असीं ट्रेस कर लांगे। कैबिनेट मंत्री लाल चंद कटारूचक की ओर से जंडियाला गुरु की दाना मंडी का दौरा किया गया। इस दौरान मंडी बोर्ड के अधिकारियों और आढ़तियों की ओर से कैबिनेट मंत्री का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों की फसल को मंडियों में खराब नहीं होने दिया जाएगा और उनकी फसल का एक एक दाना मंडी में से खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि धान के सीजन के साथ लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें किसान, मजदूर, आढ़ती और ट्रांसपोर्टर भी शामिल हैं, इसलिए सबका ख्याल रखते हुए इसे सुचारू ढंग से चलाया जा रहा है ताकि किसी भी वर्ग को कोई परेशानी ना आए। वे अब तक 18 जिलों की मंडियों का दौरा कर चुके हैं और अभी तक उन्हें किसी भी वर्ग की ओर से कोई भी शिकायत नहीं मिली है। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹੁਣ ਰਈਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੰਡਿਆਲੇ ਗੁਰੂ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੈਡੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਆ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਰ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜੁੜਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੁੜਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮੇਰਾ 19ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ, 18ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣਾ ਚੱਲਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਮੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਵ ਸੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਰ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਵ ਮੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਮਜੀਠਾ ਮੇ DSP ਮਜੀਠਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਨੇਤਾਓਂ ਕੋ ਹੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਚਲਤੇ ਆਪ ਨੇਤਾ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਕੀ ਗਈ, ਜਿਸਮੇ DSP ਮਜੀਠਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਬੇਜ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਤ ਦਿਨੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਓਂ ਕੋ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਥੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੀ ਕੀ ਜਾਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੇ ਬੈਠੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲੀਏ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ DSP ਮਜੀਠਾ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਮੇ ਬੁਲਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਓਂ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬੋਲ ਕਰ ਉਨ੍ਹੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਹਿ ਆਹਤ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਹਿ ਪਰ
किया गया है जिसे वह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह अमृतसर के डीएसपी और आईजी बॉर्डर रेंज को एक मांग पत्र देने जा रहे हैं जिसमें डीएसपी मजिठा के खिलाफ जांच करने की मांग की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। देखो 6-7 महीने हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार बने नूं ते मान साहब की सरकार अगवाई की हेठ जिहड़ी सरकार बहुत वधिया काम कर रही है। लोक भलाई के बहुत सारे कदम चुके जा रहे हैं, जिथे जीरो बिल आ रहे हैं उत्थे बहुत सारे बेरोजगारों रुजगार भी मिल रहा वा। हर महकमे के उत्ते धालीवाल साहब वर्गे अफसर अपना खेतीबाड़ी महकमे के उत्ते दूजे वो उत्ते जिहड़ियां जमीनां सी नजायज़ लोगों ने दबिया सी नजायज़ जिहड़े कब्जे से छुड़वाए जा रहे हैं। अरबां खरबां का जिहड़ा वा पंजाब नूं फायदा हो रहा वा, पंजाब के लोगों नूं फायदा हो रहा वा। पर इस दे सब दे बावजूद भी जिस तरह के मान साहब ने शुरू तो ही कहा सी या केजरीवाल साहब ने कहा सी कि असी सियासत करनी है, सियासत बदलना है। मान साहब ने भी यो कहा सी कि सीएम कल्ला मैं नहीं, तुसी सारे सीएम जी जिहड़े आम वर्कर आ आम आदमी पार्टी के वर्कर सारे उन्होंने सीएम कहा सी। इन्ना वड्डा जिहड़ा अहुदा किसी पार्टी ने आम वर्कर नूं नहीं दिता। गत दिनों वारिस पंजाब के नाम वाली जत्थेबंदी के नेता अमृतपाल सिंह की ओर से प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध इस्तेमाल की गई भद्दी शब्दावली का मसीही जत्थेबंदी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अमृतपाल सिंह अपनी हद पार कर रहा है और ऐसा लगता है कि वह अपना दिमागी संतुलन खो बैठा है जिस कारण वह प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि इस कारण पंजाब भर के ईसाई भाईचारे में रोष पाया जा रहा है। अमृतपाल सिंह पंजाब में अमन शांति को भंग करके दंगे भड़काने की कोशिश कर रहा है और ईसाई समाज सदा ही अमन और शांति की बात करता है, लेकिन जिस प्रकार से उनके समाज में टिप्पणी की गई है वह किसी भी सूरत में इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी संबंध में पुलिस कमिश्नर जालंधर को शिकायत दी गई है। उन्होंने पंजाब सरकार से मांग की है कि अमृतपाल के खिलाफ मामला दर्ज कर बनती कानूनी कार्यवाही की जाए। इस मौके पर जतिंदर मसीह, हमिद मसीह, सुधीर मसीह, पीटर मसीह, आरिफ मसीह चौहान, जोहल कोटली, सनावर मसीह भट्टी, तरसेम मसीह, पास्टर सविंदर मसीह गिल, पास्टर अंकुर नरूला भी मौजूद रहे। जालंधर से कैमरामैन दविंदर के साथ पंकज शर्मा की रिपोर्ट। और अज का जो सा मुद्दा सी कि पिछले दिनों के जिदा वारिस पंजाब जी जथेबंदी आदे प्रधान ने अमृतपाल जी, उन्होंने बहुत तुके जोड़े बयान दते ने परमेश्वर साढ़े जो धर्मगुरु ने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उन्होंने बारे उन्होंने टिप्पणी की भी वो अपने आप को नहीं बचा सके तो तुहानू किदा बचाउणगे। मैं उन्होंने दसना चाहुंदा भी अद्धा अधूरा ज्ञान जिहड़ा वा हानिकारक हुंदा वा, जिहड़ा वा तुसीं पूरी बाइबल पढ़ो तुहानू बाइबल दे विच पता लगे कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जिहड़े आ अपने आप जिहड़े ही क्रूस ते चढ़े आ, जिहड़े उत्थों दे मौके दे उस टाइम राजे सी राजा हेरोदेस, उन्होंने उन्होंने कहा सी भी तुहाडे विच मैनू कोई भी जिहड़ा दोष साबित नहीं हुंदा, तुसीं अगर मैनू कह दोगे भी मैं तुहानू तां सूली ते नहीं चाड़ांगा, मगर उन्होंने कहा तू कौन हुंदा, मैं अपनी मर्जी दे नाल अपने आप नूं सूली ते चाड़ रहा, अगर मैं हुणे हुकम करां ते आकाश तों फौजां उतर आउणगियां और सब कुछ तबाह कर देणगियां। वो इस हस्ती दे मालक सी, मगर उन्होंने अपने आप नूं आप सारी समुचे जगत दे लई कुर्बान किया और तीसरे दिन मुरदियां चों जी उठे और 40 दिन लोकां च फिरदे तुरदे रहे और सब तो वड्डा ना जिंदा हुंदा सबूत यह आ भी अज भी उन्हां दा नाम लै के साडे जिहड़े उन्हां दे पैरोकार ने साडे परमेश्वर जिहड़े दास ने उन्हां दा नाम लै के चमत्कार करदे ने, उन्हां दे नाम ते चमत्कार हुंदे ने और हुंदे रहणगे। अपना खुद का घर होते हुए भी प्रवासी किराए पर रहने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि प्रॉपर्टी डीलरों की ओर से उनका खरीदा हुआ घर किसी और को किराए पर दे दिया गया है। किराए पर दिए गए घर के किराएदार से भी प्रॉपर्टी डीलर 5,000 रुपये किराया वसूल कर रहा है, जिसके संबंध में प्रवासी परिवार की ओर से अपनी शिकायत पुलिस कमिश्नर को दे दी गई, जो कि अपना खुद का घर होते हुए भी किराए पर रहने को मजबूर है क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर ने धोखे से उनका घर किसी और को किराए पर दे दिया है। इसी संबंध में उसने बैंक से लोन भी लिया हुआ है और महीने की 19,700 रुपये किश्त दे रहे हैं। मकान मालकिन सुनीता का कहना है कि उसका पति फैक्ट्री में काम करता है और वह एक दुकान पर काम करती है जिससे घर का गुजारा चलता है। वहीं इस संबंध में DCP लॉ एंड ऑर्डर जगमोहन सिंह ने बताया कि प्रवासी परिवार की ओर से उन्हें शिकायत दी गई है जिसे उन्होंने DSP नॉर्थ को मार्क कर दिया है। जल्द ही इस मामले में प्रॉपर्टी डीलर पर कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हमने 1 साल से मकान लिया था, हमें उसकी चाबी नहीं मिली, हमने पैसे पूरे क्लियर कर दिए, फिर भी चाबी हमारी किस्तें भी जा रही है, बैंक से लोन भी करवा दिया उन्होंने। अभी रह कहाँ पे रहे हो?
हम तो किराए पे रह रहे हैं अभी। अच्छा, जहाँ जो रजिस्ट्री आपकी हुई थी वो वहाँ पे आपको? वहाँ पे नहीं रह रहे, वो खुद किराए पे चढ़ा के किराया भी खा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने वो किराए पे चढ़ाया? हाँ जी, उन्होंने उन्हीं के पास किराया जा रहा है। हमने बोला था हमारा किराया। कितना समय हो गया इसको? एक साल हो गया। तो अभी क्या बोल कह रहे हैं वो? वो कहते पैसे मांग रहे हैं, पैसे दो तो हम देंगे, खाली करवा देंगे, नहीं तो नहीं करवाएंगे। वो कहते कोई नहीं। हमने बोला हमें मकान लेना है, छोटा ही लेंगे हम, ज़्यादा नहीं ले, दो मरले का लिया हमने। वो बोलते ठीक है कोई नहीं। हमने बोला लोन करवाना, हमने करवाएंगे, हम कहीं सरकारी बैंक से करवाएंगे कि ब्याज कम हो, किस्तें भी कम हो। ये कहते कोई नहीं, ना ये जो लोन वाला है इसने पैसे नहीं लेने हैं, ये इसने 10-5 हज़ार उसे ही नहीं लिया, उन्होंने ही दिलवाया लोन करवाने का कि हम आपके से बैंक से करवा के इतने पैसे दिला रहे हैं। संबंध के विच जिहड़ी आ इन्होंने कंप्लेंट अज जिहड़ी मैनूं दित्ती आ उस संबंध के विच साडे ACP नॉर्थ जिहड़े आ दमनवीर उन्हां दी ड्यूटी ला दित्ती आ। जो भी असीं मैरिट ते होया सारे फैक्ट देख के उहदे अकॉर्डिंगली जो भी ला दे अकॉर्डिंगली असीं कार्रवाई करदे आ। तुहानूं लगदा वी इह जिहड़ा जो भी देखो जो उन्हां ने कंप्लेंट दित्ती आ उहदे विच हैगा, पर बट इहदे लई दूजी धिर नूं वी सुनना पएगा। और जिहड़ी कोई रजिस्ट्री कराई इहनां दे इशू आ वी सानूं रजिस्ट्री वी करा दित्ती बट उहदे विच कब्जा नहीं दित्ता, उह सारा देख के साडे ACP प्रोबेशनर ऑफिसर हैगा, बिल्कुल असीं जो कुछ वी ਮੈਰਿਟ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ।